पुरानी ऐतिहासिक धरोहर किंग एडवर्ड मेडिकल बिल्डिंग में रविवार को हुई भूतिया हेलोवीन पार्टी जमकर खबरों में है। वहीं ये आयोजन भले ही जैन सोशल ग्रुप ने करवाया है, लेकिन इसमें कई बड़े बिल्डर, राजनीतिक प्रभाव वाले लोग और उनके कई रिश्तेदार शामिल थे, लेकिन असली किरदार यहाँ पर कोई और निभा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय में इंदौर में सबसे ज्यादा चर्चा में एक नेता था और ये पार्टी कराने में अहम भूमिका किसी और ने नहीं, उसी लोकसभा चुनाव के समय अहम वक्त पर कांग्रेस छोड़ने वाले बीजेपी में आए नेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अक्षय कांति बम की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की गई, जहां बताया जा रहा है कि इन्हीं की तरफ से इस पार्टी में सभी बड़े लोगों को मजमा लगवाया गया है। साथ ही दबाव डालकर अनौपचारिक तौर पर मंजूरी ली गई और ऐतिहासिक बिल्डिंग के साथ खिलवाड़ की गई है। तो वही ये पार्टी जैन सोशल ग्रुप ने की थी, जिसमें मंजूरी अभिषेक जैन ने मांगी थी, लेकिन ये केवल चेहरा भर है। इसमें पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे के साथ साथ कई ऐसे बिल्डर्स थे, उनके भाई बेटे रिश्तेदार और उद्योगपतियों के रिश्तेदार भी थे, जो कि करीब 100 युवा माने जा रहे हैं इस पार्टी में हिस्सा जो बने थे, और अब वही लोग छुपते नजर आ रहे हैं। ग्रुप में ये बड़ी पार्टी ऐतिहासिक धरोहर का दौरा करने के नाम पर ली गई थी, जहां डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने यह मंजूरी भी मौखिक दी थी, लिखित नहीं। तो वहीं केवल इस शर्त पर ये 20-20 लोगों के जाकर भवन के विचार विहार को के लिए दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ताक पर रखकर झूठ बोलकर अनौपचारिक तरीके से यहां पर भूतिया पार्टी रखी। जो जैन सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए थे, वो इसके पहले गांधी हॉल में भी छतरी बाजार का उन्होंने आयोजन किया था, तो हमने उनको सिर्फ 3 गेट बिल्डिंग अंदर से विजिट करने की अनुमति दी थी। इसके बारे में भी जैसे ही हम लोगों को पता लगा तो हमने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि इस प्रकार की कोई भी पार्टी का आयोजन वो नहीं कर सकते। तो आचार पत्रों सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे चिकित्सा के धरोहर भवन KEM भवन के अंदर एक हेलोविन पार्टी आयोजित की गई और उसकी भुजाया बिल्डिंग दिखाते हुए उसकी शूटिंग करी गई और उसमें कई तरह की तोड़फोड़ और भवन पर रंग रोगन भी कर दी गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मेडिकल कॉलेज के सारे टीचर्स और सारे डॉक्टर्स जो इसके एलुमिनी रहे हैं वो आहत हैं, और इस तरह भवन का दुरुपयोग कर जिसने भी ये कृत्य किया है हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उस पर FIR की मांग कर रहे हैं। और जो भी ये घटना हुई है, ये भवन जो है हमारे चिकित्सकीय इतिहास की एक स्मारक के रूप में है, उसमें इस तरह का कृत्य किया जाना निंदनीय है और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर FIR की मांग। वहीं भोपाल के बैरागंज में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के ठिकानों पर देर रात 12 बजे तक दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान घर से कैश, जेवर और करोड़ों की जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो बता दें कि 6 टीमें बतौर बनाकर अलग अलग जगह पर जांच में जुटी थी। अब तक की कार्रवाई में 1014 ग्राम सोने के जेवर, 1021 ग्राम चांदी के जेवर और 12 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। तो वही सर्चिंग के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों की भी जांच जारी है। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल खनन।